नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में भारी बारिश के बाद बिजली और पानी की अव्यवस्था से लोग परेशान, सड़कों पर जल भराव हुआ। नागरिकों का परेशान होने के साथ ही नागरिक जीवन में भी अधिकारी कार्यवाहकों की लापरवाही का परिणाम दिखा। शुक्रवार से शनिवार तक इंदौर शहर में हुई अच्छी मात्रा की बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। 36 घंटे में 11 इंच बारिश के बाद शहर में कई स्थानों पर जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी की जमा होने के कारण स्विमिंग पूल बन गए और निचली बस्तियों और कॉलोनियों में पानी भर गया। ये बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे हो गए और कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इंदौर जिला को रेड अलर्ट में रखा गया है। इस बारिश के चलते कई खेतों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुशवाहा नगर के कुशवाहा नगर क्षेत्र में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो लोग तेज पानी के बहाव को पार करते समय बह गए, लेकिन उन्हें कई मीटर दूर जाकर बचाया गया। इस बारिश के कारण कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। यहाँ वाहन चालक बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मौसम का आनंद भी लिया है। MR10 की हालत बहुत खराब है और कई जगह गड्ढे हो गए हैं। पलहर नगर और जेल रोड सहित कई इलाकों में पेड़ गिरने की सूचना है। 3 इमली बस स्टैंड पर भी पानी भर गया और यात्री इधर उधर भटक रहे थे। बारिश के कारण बस ड्राइवरों को सावधानी से बस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पालदा औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी भर गया और खाती वाले टैंक में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर लोहा मंडी इलाके में भी कई व्यापारी पानी जमा होने के कारण दुकानें नहीं खोल सके। महारानी रोड पर भी तेज बारिश के कारण पानी भर गया और महारानी रोड के पाटनीपुरा चौराहे, जीर्ण माता मंदिर और परदेशीपुरा चौराहे के सामने घुटने घुटने पानी जमा हो गया। वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी और पैदल चलने वालों के लिए भी सड़क से निकलना मुश्किल हो गया। पानी की व्यवस्थित निकासी नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी। इसके साथ ही क्षेत्र के पाटनीपुरा, MIG और बस्तियों में भी लोग परेशान हो गए। रोबोट चौराहा पर भी यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और सब्जी मंडी में पानी घुस गया। सब्जी के ठेले आधे डूबे हुए थे और सब्जी बेचने वाले फुटकर दुकानदार परेशान हो रहे थे, क्योंकि पानी भरने से उन्हें दुकान लगाने की जगह नहीं मिली। इलाके के मालवीय नगर, कृष्ण बाग आदि के कुछ घरों में लोग घर में घुसे पानी को बाल्टी से बाहर निकाल रहे थे। देवास बाईपास पर भी यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और बाईपास पर तेजाजी नगर से देवगुराडिया, राला मंडल, बिचौली, मर्दाना सभी जगह पानी भर गया। दो पहिया और चार पहिया वाहन चालक जैसे तैसे गुजरे और यातायात का दबाव होने से जाम की स्थिति बनी। द्वारकापुरी फूटी कोटी चौराहा पर भी पानी भर गया और दो पहिया वाहन चालक रिंग रोड सहित अन्य वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचे। सुबह ऑफिस पहुंचने के लिए लोग जदोजहद करते दिखे। द्वारकापुरी इलाके में भी पानी भरने से वाहन चालक परेशान हुए। कई इलाकों की बत्ती गुल गई और 36 घंटे में 11 इंच बारिश के कारण शहर के सर्कल के 525 में से 11 केवी के 41 फीडर से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। 14 जगह लाइनों पर पेड़ बड़ी शाखाएं गिरी और 7 स्थानों पर तार केबल टूटे। प्रभावित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने में घंटों लग गए। सुबह 9:30 बजे से खंडवा रोड स्थित श्री यंत्र नगर में बत्ती गुल हुई और दोपहर तक बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान 350 कर्मचारी और अधिकारी कार्य पर लगे और शहर के 30 जोन पर शुक्रवार से शनिवार सुबह 11:30 बजे तक 1400 से ज्यादा व्यक्तिगत शिकायतें फ्यूज ऑफ कॉल FOC की पहुंची। सुभाष चौक जोन के तहत कबूतर खाना और नॉर्थ टोड़ा क्षेत्र में अत्यधिक जल जमाव होने पर सुरक्षा कारणों से 30 ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति बंद की गई। कांग्रेस ने भी अव्यवस्था पर सवाल उठाया है और संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा कि नाला टैपिंग और सीवरेज व्यवस्था पर 1500 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर देने के बाद भी जरा सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है, जबकि कल से शहर में मूसलाधार पानी गरीबों के लिए आफत बनकर बरस रहा है। इंदौर नगर निगम प्रशासन की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की फिर पोल खोल कर रख दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजेश चौकसी ने कहा कि भाजपा सरकार की 50% कमीशनखोरी की सरकार ने विकास के नाम पर इंदौर शहर का बंटाधार कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।